हेलो एवरीवन, दिस इज 73 क्वेश्चन ऑफ CSIR नेट केमिस्ट्री। द क्वेश्चन इज द ज्योमेट्रिक क्रॉस सेक्शन ऑफ टिन इज नियरली, ये क्या कह रहा है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना होगा उसका, टिन का उसका एटॉमिक मास कितना है, 125 है, और हमें किस में बताना है, बैरन में बताना है। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, जो फर्मी मॉडल है वो किसने डेवलप किया था, एनरिचो फर्मी ने 1930 में इसको क्या किया था, डेवलप किया था। ये मॉडल किसके बारे में बताता है, न्यूक्लियस के साइज और उसकी डेंसिटी के बारे में बताता है, और ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमें। इसमें देखिए, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फर्मी मॉडल R=R0A 1/3। इसमें जो आर नॉट है ये क्या है, कांस्टेंट है। आर क्या है, यहाँ पे रेडियस है, और ए क्या है, यहाँ पे एटॉमिक। तो इसमें रेडियस कितने बराबर हुई, 125 इसमें मास दे रखा है टिन का, ये क्या है इसका 1/3 बताना है। तो क्या आ जाएगा, 5, किसका क्यूब है ये, 5 का क्यूब है। तो जो हमें क्या पूछा, ज्योमेट्रिक क्रॉस सेक्शन एरिया पूछा है, ज्योमेट्रिक क्रॉस सेक्शन एरिया पूछा गया है, किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। इसमें देखिए, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 3.14, पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई में फाइव। तो इसकी वैल्यू हमें क्या बतानी है, बैरन में बतानी है। तो बैरन में यहाँ पे हमें किस में बतानी है, बैरन में बतानी है, जो 1 बैरन होता है किसके बराबर है, 10^-28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्यूशन के बाद क्या आएगा, 1.54 क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी बैरन में। यहाँ पे देखिए कितनी वैल्यू है, 1.54 के नज़दीक, मतलब क्या है, बी इसका क्या है, सही आंसर है यहाँ पे। एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।